नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। आप मेरे वीडियोस को स्टार्ट टू एंड देखें और हर वीडियो को देखें क्रमानुसार। ये यूनिट 5B जिसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स आएगा उस पर मेरा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट समझाया था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा ही समझाया था और इस पर कुछ बेसिक पॉइंट सारे समझाए थे और इसके अलावा मैंने 4 सॉल्व एग्जाम्पल भी किए थे। आज इस वीडियो में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आपको और करवाऊंगा अच्छे अच्छे और एक मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट के रूप में विद आंसर वो आप करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के जो सवाल आपके एग्जाम में आने संभावित हैं वो सब इससे हो जाएंगे। होते तो बहुत सारे और भी हैं लेकिन जो आपका पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से मैंने यही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आशा है इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल 5 पिछले वीडियो मैंने 4 एग्जाम्पल किए थे आपको ये 5वां ये एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमें प्रूव करना है ध्यान से देखिएगा हमें प्रूव करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 × a⃗ b⃗। ये फॉर्मूला है हम इसको कई बार काम में भी लाएंगे लेकिन इसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ। LHS व्हाट इज LHS ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसी भी वेक्टर के होल स्क्वायर से मतलब है उस वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब हम जानते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा हम अगर ए प्लस बी को गुणा करें सी प्लस डी से तो पहले ए को गुणा करते हैं सी प्लस डी से ऐसे करते हैं ना फिर बी को गुणा करते हैं सी प्लस डी से इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बंटन गुणधर्म। उसके बाद ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी ऐसे गुणा क्या करते थे अपन पहले वही काम यहाँ डॉट प्रोडक्ट में करेंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो पहले हम ए वेक्टर लेंगे और इसका डॉट लेंगे ए प्लस बी के साथ ए डॉट ए प्लस बी। अब ये प्लस है ना प्लस ये वाला प्लस यहाँ लगाएंगे फिर बी लेंगे फिर डॉट लेंगे फिर वापस ए प्लस बी ए डॉट ए प्लस बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब आपको मैंने समझाया था डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज के अंदर कि ए डॉट ए का मतलब मॉडुलस वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर ये हम पहले सीख चुके थे। कारण क्या आपको भी बता दूं आपको जैसे ए डॉट ए है इसको हम कहेंगे ए का मॉडुलस और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से एंगल जीरो होता है तो कॉस जीरो कॉस जीरो वन होता है तो ये बताओ ए के मॉडुलस का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। ये है ए डॉट ए को हम वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर कहेंगे ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए को हम ए डॉट बी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है क्रमविधि में लागू होता है ए डॉट बी को हम बी डॉट ए और बी डॉट ए को ए डॉट ए डॉट बी को बी डॉट ए और बी डॉट ए को ए डॉट बी कह सकते हैं। यहाँ मैंने बी डॉट ए को ए डॉट बी कह दिया और बी डॉट बी बी के मॉडुलस का स्क्वायर अब इनको पास पास लिख दिया ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी होता है ट्वाइस ए डॉट बी जो कि राइट हैंड साइड है। एग्जाम्पल 6 ये 2007 में आया हुआ है। इफ एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज थीटा ए कैप का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर क्योंकि ऊपर कैप लग गया ना ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर
बी कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर का मॉडुलस जो है वो एक और इसका भी एक, इन दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल थीटा आपको दे रखा है। देन प्रूव, उसके बाद हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दो चीजें सिद्ध करनी है, और तीसरी ये भी हो सकती है जो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। पहली cos थीटा बाई टू इज इक्वल टू हाफ ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस। दूसरा sin थीटा बाई टू इज इक्वल टू हाफ ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस। और तीसरा ये भी पूछ सकते थे, मैं बता दूं, tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस अपॉन ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस। अगर ये दोनों प्रूव कर लेंगे ना, ये अपना हो जाएगा। क्यों? साइन थीटा बाई टू में भाग लगाएंगे कॉस थीटा बाई टू तो आ जाएगा टेन थीटा बाई टू, और जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस अपॉन ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस आ जाएगा। ये दो प्रूव होने से ये प्रूव हो जाएगा। अभी दो कैसे प्रूव करें? देखिए, हमें इसको एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के रूप में काम लेके सॉल्व करना है। ए डॉट ए जो होता है वो मॉडुलस ए का स्क्वायर होता है। ऐसे देखिए, हम अगर ए कैप प्लस बी कैप के मॉडुलस का स्क्वायर करें, ए कैप प्लस बी कैप के मॉडुलस का स्क्वायर करें, तो क्या कहता है डेफिनेशन के हिसाब से? ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप, और ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप जो होगा, अभी जो मैंने ये सवाल सिद्ध किया था ये वाला पिछला, उसके बेस हम कह सकते हैं ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए कैप डॉट बी कैप। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ ए और बी वेक्टर थे, यहाँ ए कैप और बी कैप वेक्टर है, इज इक्वल टू। अब चूंकि ए कैप और बी कैप तो यूनिट वेक्टर है, इसलिए इनका मॉडुलस तो वन होगा, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू। अब हमें ए कैप डॉट बी कैप निकालना है। कैसे निकलेगा? ए कैप का मॉडुलस, बी कैप का मॉडुलस, और ए कैप और बी कैप के बीच के एंगल की कॉस, कॉस थीटा, एंगल आपको थीटा दे रखा है। वन स्क्वायर वन होता है, वन स्क्वायर वन होता है टू, ये ए कैप बी कैप को मॉडुलस वन वन होंगे और कॉस थीटा, वन प्लस वन टू, प्लस टू इंटू वन इंटू वन टू, कॉस थीटा, टू कॉमन आ गया, वन प्लस कॉस थीटा, और वन प्लस कॉस थीटा जो होता है वो टू कॉस पर थीटा बाई टू होता है। ये आपके फर्स्ट सेम की जो मैथ है उसमें आपको याद रखना है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने फर्स्ट सेम में जो मैथ पढ़ी है ना, उसमें ये फॉर्मूला था वन प्लस एक्चुअली वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं थीटा की जगह थीटा बाई टू लिख दूं, इफ आई रिप्लेस थीटा बाई टू कॉस टू, थीटा की जगह मैं थीटा बाई टू कर दूं, तो वहां पर भी थीटा की जगह थीटा बाई टू हो जाएगा। और दो दो कट जाएगा, तो कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। इसी तरह से एक फॉर्मूला और वो बाद में करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। तो वन प्लस कॉस थीटा जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू होता है। यहाँ देखिए वन प्लस कॉस थीटा है तो ये हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तो दो दूनी चार कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। देखिए दो इंटू दो चार कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप के मॉडुलस का स्क्वायर। Now, अगर मैं आपसे कहूं कि cos स्क्वायर थीटा बाय टू कैसे निकालेंगे, तो चार को चले जाएंगे, तो वन बाय फोर इंटू ए कैप प्लस बी कैप के मॉडुलस के स्क्वायर। अब निकालना मेरे को cos थीटा बाय टू है, तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? cos थीटा बाय टू की। Now, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स, तो cos स्क्वायर थीटा बाय टू का स्क्वायर रूट होगा कॉस थीटा बाय टू, वन बाय फोर का वन बाय टू, और ए कैप प्लस बी कैप मॉडुलस स्क्वायर का ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस। ये प्रूव हो गया। देखिए पहला, अब हमको प्रूव करना है सेकंड। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने शुरुआत की थी पिछले वाले पार्ट में, ए कैप प्लस बी कैप के मॉडुलस के स्क्वायर, यहाँ शुरू करेंगे ए कैप माइनस बी कैप के मॉडुलस के स्क्वायर। ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप बाई डेफिनेशन इज इक्वल टू ए कैप का स्क्वायर, मतलब ए कैप के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी कैप के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस टू ए कैप डॉट बी कैप।
इज वन, ये वन, वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस टू, और ए कैप डॉट बी कैप हम बताते हैं, पिछली बार बताया था ना, ए कैप मॉडुलस बी कैप मॉडुलस कॉस थीटा, वन प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा, टू माइनस टू कॉस थीटा, टू वन माइनस कॉस थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा जो होता है वो टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू होता है। देखिए वन माइनस कॉस टू थीटा जो होता है ये टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं थीटा की जगह लिख दू थीटा बाय टू, इफ आई रिप्लेस थीटा बाय टू, देन वी गेट वन माइनस कॉस थीटा, थीटा बाय टू में टू टू कट जाएगा, ये थीटा बाय टू है ना, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू ये होता है। तो हम वन माइनस कॉस थीटा को टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कह सकते हैं, यानी कि दो दूनी चार साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इजिकल टू ए कैप माइनस बी कैप मॉडुलस का स्क्वायर। इससे आपको साइन स्क्वायर थीटा बाय टू मिल जाएगा, वन बाय फोर इंटू दिस, और अब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड, तो साइन थीटा बाय टू इजिकल टू वन बाय टू ए कैप माइनस बी कैप मॉडुलस का स्क्वायर था ना, वो जब रूट लेंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर का रूट लेते हैं एक्स आता है, तो ए कैप माइनस बी कैप मॉडुलस का स्क्वायर का रूट लेंगे तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। और अगर हमें वो टेन थीटा बाय टू प्रूव करना है तो इसके अंदर उसको भाग लगा देंगे, हो जाएगा। अब लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद फिर आपके लिए एक लेके आया हूँ एक्सरसाइज, खूब सारा सवाल लेके आया हूँ आपके लिए, देखिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर एक दो तीन चार, क्वेश्चन पांच छह सात आठ नौ दस, ये सब अगर कर लेंगे आप तो डॉट प्रोडक्ट में आपके सिलेबस के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप कर पाएंगे। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए अलग अलग किताबों से क्वेश्चन निकाल निकाल के छाटे, उनकी जो अशुद्धियां हैं उन किताबों में कुछ मिस्टेक्स नहीं होंगी आंसर में क्वेश्चन में, उनको दूर करते हुए सब काम किया है। आप इस मेहनत को काम मिला, आपके लिए जो वीडियो मेरा 40-45 मिनट का होता है उसके लिए मैंने चार चार घंटे मेहनत की हुई होती है, तब जाके आपको मैटर मिलता है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे वीडियोस को शुरू से आकर देखेगा उसको बहुत फायदा होगा, उसी को फायदा होगा। तो ये एग्जांपल सात, इफ ए प्लस बी दो वेक्टर के सम है उसका मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर की सम का मॉडुलस और उनकी डिफरेंस का मॉडुलस बराबर है, ऐसा कहा गया है, हमको प्रूव करना है। अगर ऐसा है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर होंगे, वी हैव टू प्रूव दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। हिंदी में अगर बोलूं तो अगर दो सदिशों के योग और व्यवकलन के मापांक बराबर हों सिद्ध करो कि वो सदिश परस्पर लंबवत होंगे। इफ मॉडुलस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं, तो देखिएगा ए प्लस बी का मॉडुलस बराबर ए माइनस बी का मॉडुलस, ये आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। इट इंप्लाइज अगर दो नंबर्स बराबर है तो उनके स्क्वायर बराबर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, उसमें उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हम कर चुके हैं, ए के मॉडुलस के स्क्वायर प्लस बी के मॉडुलस के स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, इसका ए के मॉडुलस के स्क्वायर प्लस बी के मॉडुलस के स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। अब इक्वल टू के इधर भी सेम क्वांटिटीज है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? टू ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस टू ए डॉट बी, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो फोर ए डॉट बी बराबर जीरो। अगर फोर ए डॉट बी जीरो है तो ए डॉट बी भी जीरो ही होगा, जीरो अपॉन फोर जीरो होता है, और ए डॉट बी अगर जीरो होता है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों? ए डॉट बी जीरो तभी हो सकता है जब हम कहें कि ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा बराबर जीरो। अब ए का मॉडुलस तो जीरो है नहीं, बी का मॉडुलस जीरो है नहीं, तो दिखती बात है कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, और कॉस थीटा जब जीरो होता है तो थीटा 90 डिग्री होता है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है। वैसे भी आपको मैं प्रॉपर्टी समझा चुका था, अगर ए डॉट बी जीरो होता है तो ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं।
तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन किए, अब आपके लिए एक्सरसाइज है, नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इसमें मैंने दो पार्ट आपके लिए लिया है। फाइंड स्केलर प्रोडक्ट, आपको अदिश गुणन पता करना है, यानी कि ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता करना है। आपको ए दे रखा है, आप देख रहे होंगे, आपको बी दे रखा है, आप देख रहे होंगे, मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, आंसर दे दिया जीरो। इसमें भी आपको ए मिल रहा है, बी दिख रहा है आपको, अब मैं बोलूंगा नहीं, आप देख रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे अपने कॉपी के अंदर पॉज करके। तो इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट आंसर में दे दिया, 9 आएगा। क्वेश्चन 2, फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वही है जो क्वेश्चन नंबर पहले के दो पार्ट थे ना, वही सेम पार्ट इसमें मिलेगा ना, सेम एज क्वेश्चन 1 का 1, सेम एज क्वेश्चन 1 का 2। बस वहां हमको इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना था, यहां हमें इन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालते हैं, cos θ = a dot b upon a का मॉडुलस * b का मॉडुलस। अब आपको वो काम लिखे थे, पहले वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, वही यहाँ पर लिखा मैंने, उसमें एंगल आएगा इन दो के बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री। और दूसरा जो क्वेश्चन ये वाला, इसमें इन दो वेक्टर के बीच का एंगल आएगा cos इनवर्स अंडर रूट 3/58। मैं आपको हिंट दे दूं कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें a का मॉडुलस आएगा अंडर रूट 54, b का मॉडुलस आएगा अंडर रूट 35। फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मॉडुलस * b का मॉडुलस, उससे आपको cos थीटा मिल जाएगा। और जब cos थीटा मिल जाएगा और हमको चाहिए थीटा, तो cos इनवर्स करके आंसर दे देंगे। ये सभी आप लोग काम करेंगे, एक्सरसाइज पूरी करेंगे घर पे, और कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करेंगे, आप संपर्क करेंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं आपको दे रखे क्वेश्चन में ए और बी, ये परपेंडिकुलर है। बहुत सिंपल है, अगर इन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूव कर दो, तो ये होगा। बस हिंट दे दिया आपको मैंने, प्रूव करना आपको इन दोनों क्वेश्चन में कि ए डॉट बी जीरो है, ए दे रखा है बी दे रखा है, इसमें भी ए दे रखा है बी दे रखा है, दोनों क्वेश्चन में आपको ए डॉट बी करना है, जीरो आना चाहिए। जैसे जीरो आएगा हम कह देंगे ए और बी, ये जो दो वेक्टर्स ए और बी है वो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 14, ये 2019 में आया हुआ है ये वाला, इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द अननोन। भाई ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें कुछ अननोन मिलेगा, इसमें आपको अननोन मिल रहा है लैम्डा, इसमें अननोन मिल रहा है आपको लैम्डा, इसमें भी अननोन मिल रहा है आपको, इसमें अननोन मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखिएगा ए, इसमें अननोन मिल रहा है आपको लैम्डा, और इसमें अननोन मिल रहा है आपको एम। तो अननोन है ना वो आपको निकालना है। तो देखिए हमने पहले वहां से दिया लैम्डा इजिकल टू -4, दूसरे में लैम्डा इजिकल टू 3, तीसरे में ए इजिकल टू 9, चौथे में लैम्डा इजिकल टू 3, पांचवे में एम इजिकल टू 8। ये मैंने आंसर दे दिया, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखे हैं। और ये कहा गया है इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी इन पांचों केसेस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम ए डॉट बी बराबर जीरो करेंगे, और जैसे ही ए डॉट बी निकालेंगे उनके अंदर ही क्वांटिटीज आ जाएंगी जो आपको निकालनी है, और इक्वल टू जीरो करते इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन को सॉल्व करते आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो वैक्टर सब आपको देखे होंगे क्लियरली, तो आपको इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को जीरो करेंगे इक्वेशन आएगी, उससे अननोन निकल जाएगा। ये पांचों में आप नोट कर रहे होंगे, मैं एक बार बोल देता हूँ, जैसे पांच क्वेश्चन है, वेक्टर ए है 4i + 2j + 5k, एंड वेक्टर बी है i + mj - 4k। इसी तरह से सब आप उतार सकते हैं आराम से देख के, आप अपने वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड बी ऑन ए। आपको वेक्टर ए का वेक्टर बी पर और वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन पता करना है। ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है, और दोनों ही मैंने निकाल दिए हैं। ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ए का बी पर तो आएगा 19/9, और बी का ए पर आएगा 19/√6। आंसर दे दिया मैंने, वेक्टर आपको दे रखे हैं, 2007 में एग्जाम आया, क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, आपको वेक्टर ए दे दिया है,
वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के के दे रखा आपको, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप मल्टीप्लाई बाय आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप मल्टीप्लाई बाय जे कैप फिर ए डॉट के कैप मल्टीप्लाई बाय के कैप, ये आपको प्रूव करना है। एक बात समझिएगा, मैंने ब्रैकेट की बात में यहाँ कोई सिंबल नहीं लगाया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जैसे मैं लिखते ना 4x, सिंपल एलजेब्रा के अंदर बीजगणित में 4x, इसका मतलब क्या होता है कि चार को x से गुणा करना, ये तो मतलब होता है इसका 4x का, या हम कई बार इसको 4 इंटू एक्स ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वेक्टर में आपको ये ऐसे नहीं लिखना, इस तरीका गलत हो जाता है। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा, जो भी आपको सिखाया नहीं मैंने। आप देख रहे होंगे ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट है आई कैप का, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, और स्केलर और एक वेक्टर के बीच में कोई सिंबल नहीं आना चाहिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ना कोई डॉट है ना कोई क्रॉस है। एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर दो वेक्टर है ए और बी, उनके बीच में ही डॉट हो सकता है या उनके बीच में ही क्रॉस हो सकता है। ये डॉट या क्रॉस दो वेक्टर के बीच में होता है, किसी वेक्टर और स्केलर के बीच में नहीं होता है। अब चूंकि ए वेक्टर डॉट आई कैप एक स्केलर क्वांटिटी है और आई कैप एक वेक्टर है, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई डॉट या क्रॉस लगता नहीं है, इसलिए मैंने कोई सिंबल लगाया नहीं है। सामान्य मैथ्स में हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। या कोई मैंने देखा कोई बीच में सिंबल नहीं लगाया या खाली छोड़ा हुआ, बिल्कुल याद ध्यान रखें। हम जो आपको बातें बता रहे हैं वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में बताया नहीं जाता है। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने का हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसे होगा हिंट दे रहा हूँ। देखिए मैं RHS लूंगा, आई विल टेक RHS, ये RHS लिखा हुआ। अब आप ए डॉट आई कैप निकालेंगे तो वो ए वन आ जाएगा, डेफिनेटली ये हिंट है मेरी ओर से। ए वेक्टर देगा ये लिख देंगे अभी वाला, और डॉट आई कैप तो ए वन आई कैप आएगा, और आई कैप डॉट आई कैप तो वन होता है, तो ए वन इंटू वन ए वन हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, जे डॉट आई कैप आएगा और के डॉट आई कैप आएगा, जो कि जीरो होता है। इसी तरह से जब ए वेक्टर डॉट जे कैप करेंगे तो ए टू आ जाएगा, और तब आप ए वेक्टर डॉट के कैप करेंगे तो ए थ्री आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा ए वन, ये आ जाएगा ए टू, ये आ जाएगा ए थ्री, तो क्या बन गया, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ये आप देखिएगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये ए वेक्टर है कि नहीं है, ये LHS आ गया। ये आपको इतना हिंट दे दिया, लगभग मैंने सॉल्व ही कर दिया पूरा। सातवां क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए का मॉडल्स 3 हो, वेक्टर बी का मॉडल्स 4 हो, थीटा 60 डिग्री हो, तो ए डॉट भी निकालो। ए डॉट बी की जो है ना डेफिनेशन, उससे आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा अच्छा है। अगर वेक्टर ए का मॉडल्स 4 है, वेक्टर बी का मॉडल्स 5 है, और ए डॉट बी की वैल्यू 10 है, तो थीटा निकालो, बहुत सिंपल है, आंसर आएगा 60 डिग्री या पाई बाय 3। अगर ए वेक्टर आपको दे रखा 2i माइनस j प्लस k, बी वेक्टर दे रखा i माइनस 3j माइनस 5k, और सी भी दे रखा 3i माइनस 4j माइनस 4k, तीन वेक्टर दे रखे आपको, देन प्रूव दैट ए बी सी फॉर्म्स ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार के मैं करा चुका हूँ पहले, यानी ये पिछला वीडियो था ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, ये तीन वेक्टर मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कैसे बनता है, जब तीनों वेक्टर की सम जीरो हो, या कोई से दो वेक्टर की जोड़ तीसरे वेक्टर के बराबर हो। यहाँ आपको हिंट दे रहा हूँ, इन दो वेक्टर को जोड़ोगे तो तीसरा वेक्टर आ जाएगा, तो इससे तो प्रूव हो जाएगा ये ट्राइंगल बन गया। अब आपको प्रूव करना है ये राइट एंगल है, तो किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब देखेंगे ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, ए का बी से डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, यानी ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, जो ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है और ट्राइंगल बन रहा है, तो वो है जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल होगा, यानी वो जो समकोण त्रिभुज, वो जो त्रिभुज बन रहा है ना, वो समकोण त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आपको वेक्टर दे रखा है 1/7 मल्टीप्लाई 2i प्लस 3j प्लस 6k, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है,
then prove that A, B, and C are mutually perpendicular unit vectors. And आपको ये prove करना है कि A और B जो हैं वो right angle पर हैं, यानी A dot B zero आ रहा है, B और C B right angle पर है, यानी B dot C zero आ रहा है, और C और A B right angle पर है, यानी कि C dot A zero आ रहा है, यानी कि आपको A dot B, B dot C, C dot A निकालना, तीनों zero आने चाहिए, तीनों zero आते ही prove हो जाएगा कि तीनों mutually perpendicular है, यानी तीनों vector परस्पर एक दूसरे के साथ में समकोण पर है। लेकिन ये भी सिद्ध करना है कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है। आप क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे ए वेक्टर का तो वो बना जाएगा, बी का निकालेंगे मॉडुलस बना जाएगा, सी का निकालेंगे बना जाएगा। जब तीनों के मॉडुलस बना जाएंगे तो तीनों हो जाएंगे यूनिट वेक्टर। हिंट के अंदर ये बात में लिखना भूल गया था, अब लिख देता हूं। ये तो आएगा, हाँ लिखा ना मैंने हिंट, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस सी का मॉडुलस बराबर एक आएगा, और ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर जीरो आएगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ जीरो के ऊपर वेक्टर में लगा देना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर, चार पॉइंट है ए बी सी और डी, उनके जो निर्देशांक ये 3D में है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, 2, 4, बी के 4, 5, -1, सी के 6, 3, 2 और डी के 2, 0, क्रमशः ये है, ठीक है ना। देन प्रूव दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, आपको जो वेक्टर ए बी है वो वेक्टर सी डी पर परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है। तो पहले तो आप क्या करो, वेक्टर ए बी निकालोगे, वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, बी के पोस्टन वेक्टर में से ए का पोस्टन वेक्टर घटाएंगे, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 4 -3 1, 5 -2 3, -1, -4, -5, आई प्लस सी जे -5, इसी तरह से सी डी निकालेंगे। अब हमने वेक्टर ए बी निकाल दिया, वेक्टर सी डी निकाल दिया, अब हम वेक्टर ए बी का वेक्टर सी डी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए बी डॉट सी डी, और वो जीरो आएगा। जैसे ही ए बी का सी डी के साथ में डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है वो सी डी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये हमको प्रूव करना था। तो मैंने क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन को छोड़ दिया है, मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए जो कि आपकी आशा है कि आपके एग्जाम में आना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मुझे आशा है कि आप किसी भी क्वेश्चन में चूकेंगे नहीं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाए हैं और इसका आप फायदा उठाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।